नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कमर कस ली है। रोजाना नए नए कार्यक्रमों के आयोजनों के माध्यम से वह अपनी चुनावी तैयारियों में जी जान से जुट गई है। इसी के तहत उत्तराखंड नव निर्माण को लेकर आपने शुक्रवार को काशीपुर में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। युवा संवाद कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोठियाल ने युवाओं के साथ संवाद कर उनके सवालों के जवाब दिए और उन्हें विश्वास दिलाया कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की सत्ता में आई तो वह इस प्रदेश का नव निर्माण करेगी, क्योंकि युवा शक्ति की जागरूकता एवं सहयोग के बगैर यह कार्य असंभव है। काशीपुर से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। चुनाव नजदीक है, रास्ता लंबा है, हमें इन चीजों पे नहीं पड़ना चाहिए। हमें करना चाहिए कि हमें काम कैसे करना है। अगर हम काम करेंगे तो फिर चुनाव नजदीक थोड़ी है। हम तो अपने काम को करते जा रहे हैं, चुनाव से 10 दिन पहले तक भी काम करते रहेंगे। आचार संहिता आएगी, कुछ दिन के लिए आराम करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से काम शुरू करेंगे। एक उदाहरण देता हूँ मैं उत्तरकाशी का आपको। क्या हुआ कि उत्तरकाशी में आया, अभी एक बादल फटा तो चार गाँव में काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। मैंने सुना है कि वहाँ पर मुख्यमंत्री जी भी गए थे, उनके खिलाफ भी थोड़ा सा हंगामा, तो वहाँ पर कुछ हमारी टीम गई। अब उन टीमों ने जाके क्या करा, पहले तो जान बचाई, उसके बाद बाकी सब सिस्टम जो सरकार के जो होते हैं SDRF वो सब चले गए। इन लड़कों ने क्या करा, इन्होंने कहा टेंट की जरूरत है, हर गाँव में एक टेंट लग गया। अभी हर घर को साफ कर रहे हैं, मलबे को ठीक कर रहे हैं, उसके बाद में गाँव वालों का हौसला बढ़ा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि अब हम अगले 10 दिन तक यहीं पर रहेंगे ताकि गाँव को समझ में आए कि हमारे खुद के साथ। तो उसमें ना किसी ने बोला कि राजनीति का एक नया तरीका शुरू हो गया, अब इसकी रेखा जो है वो कौन लंबी करेगा वो देखने की ज़रूरत है, लेकिन ये रेखाएं ना बनाने की ज़रूरत है। आपके जरिए जरूर बोलूँगा बीजेपी कांग्रेस को कि क्योंकि किसी ना किसी ने हमारे अपोजिशन में आना है, आज से सीख लो कि हमारे खिलाफ बात मत करो, हमसे सीखो और दोनों मिलकर के उत्तराखंड के नव निर्माण करो। मुख्यमंत्री अगर आम आदमी आप मैं समझ गया, आप पूछ रहे थे, आपने कहा अगर आम आदमी पार्टी की, आप कहना चाह रहे थे जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है बहुत अच्छा होगा। अगर कुछ कम रह जाए तो क्या बीजेपी या कांग्रेस से गठबंधन करेगी? मेरा मतलब इंडिपेंडेंट से कर सकते हैं, बीजेपी कांग्रेस से। ठीक है।